बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, हस्बैंड गए थे बाहर किसी काम से, तो वो जो है आते हुए नाश्ता भी लेकर आए, तो अभी मैं जो है ना नाश्ता निकाल रही हूँ। और इतनी जल्दी नाश्ता हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन बाहर गए थे जल्दी किसी काम से। तो हलवा पूरी आपको पता है, यहाँ हमारे यहाँ तो मीरपुर खास में सुबह सुबह ही मिलती है, उसके अलावा जो है ना मिलती है 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, लेकिन जो है ना जिस टाइम सुबह सुबह जो मिलती है ना 7 बजे 8 बजे, तो वो फिर 12 बजे वो टेस्ट नहीं रहता उसका। तो यहाँ पर हलवा पूरी मैं निकाल रही हूँ, और जो है यहाँ मैं आपसे बात करूँगी सिंध में बारिशों की। जो बारिशों ने तबाही मचाई है ना सिंध के अंदर, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। जो आसपास हमारे शहर का तो अल्लाह का शुक्र है कि बचा हुआ है, बारिशें तो यहाँ भी बहुत हुई हैं, लेकिन जो है पानी वगैरह भरा हुआ है, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ जो कि आसपास के गाँवों में। बहुत बुरा हाल है गोटों में, गांवों में लोग रोडों पे आ गए हैं, और जानी माली उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान से भी गए। तो आगे मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स जमा करके अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोग देखिएगा। उन सब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है उनके लिए आसानी करे, और जो है बारिशें बस अब बंद हो जाए, अल्लाह पाक से दुआ है। और हमारे यहाँ भी जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश थी मीरपुर खास में भी, तो अजानें भी मस्जिदों में दी जा रही थी और दुआएं मांगी जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना बारिश से नुकसान हुआ है। और ज़्यादा जो बेचारे परेशान हुए हैं, जिन जो जानों से भी गए हैं और जिनके जानवर भी मरे हैं और घर भी टूट गए हैं, और बहुत ज़्यादा बेचारे रोडों पर आ गए हैं, तो उन सब के लिए आप भी दुआ करें और हम भी दुआ करते हैं, और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। तो आगे छोटे छोटे से क्लिप शेयर किए मैंने, आप देखिएगा और सबके लिए दुआ कीजिएगा। सहारा या हबीब